ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया कि जब हम सोडियम वेपर लैंप से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो सोडियम वेपर लैंप से जो सोडियम सोडियम आयन के फॉर्म में रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो सोडियम आयन इस क्रिस्टल के अंदर जाता है और उस लैटिस पॉइंट के चारों तरफ जाके जमा होने लगता है जहां पर अपोजिट आयन या यू कह ले अनायन बैठा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से सोडियम आयन जो है वो क्लोराइड आयन को पुल करके बाहर कर देता है और वो क्रिस्टल में हमें उस क्रिस्टल में हमें एक होल दिखने लगता है और इस होल के कारण से पूरा क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है या हम कह लें कि स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है वापिस अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। उस सोडियम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उस जगह पे जाके बैठ जाता है जहां से अनायन हटा था और जहां से अनायन हटा था उस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन जाके बैठता है वो इस सोडियम वेपर लैंप से निकले हुए एनर्जी को गेन करता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, 0.8 सेकंड तक वहां रहता है, अनस्टेबल होता है, वापिस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है लेकिन लौटते समय वो एनर्जी को इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो इस लैटिस पॉइंट के कारण से पूरा क्रिस्टल जो है वो कलर्ड हो गया तो इस लैटिस पॉइंट का नाम दिया जाता है शॉर्ट में एफ सेंटर या इसी को हम लोग फार्बिन सेंटर भी कहते हैं, फैबो सेंटर भी कहते हैं स्टूडेंट या फार्बिन सेंटर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वो लैटिस पॉइंट जिसके कारण से पूरा क्रिस्टल कलर्ड हो गया है, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। एक वर्ड में सुन लो, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर इज नोन एज द एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन के आने के कारण से क्या क्या बदलाव देखने को मिला, ये बदलाव देखने को मिला कि क्रिस्टल पहले तो न्यूट्रल क्रिस्टल जो है वो चार्ज से वापस न्यूट्रल हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हो गया और पूरा क्रिस्टल कलरलेस से कलर्ड हो गया। तो ये फेनोमेनन सिर्फ NaCl में नहीं होता है, ये फेनोमेनन लिथियम क्लोराइड में होता है और पोटासियम क्लोराइड में भी होता है। एफ सेंटर के कारण से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एफ सेंटर बनने के कारण से NaCl क्रिस्टल का कलर येलो हो जाता है, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल में एफ सेंटर बनने के कारण से लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का कलर पिंक हो जाता है, पोटासियम क्लोराइड क्रिस्टल में एफ सेंटर बनने के कारण से पोटासियम क्लोराइड क्रिस्टल का कलर वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और एफ सेंटर को आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफ सेंटर को शॉर्ट में आप बोलेंगे कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, इसका मीनिंग हो गया। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे ही अनायन यहां से हट गया तो हम कह सकते हैं कि अनायनिक वैकेंसी हो गया, अनायनिक वैकेंसी होने के कारण से क्या हो गया, कैटायन का नंबर ज्यादा हो गया, हम कह सकते हैं कि मेटल एक्सेस में हो गया, मेटल एक्सेस में और अनायन कम होने के कारण से क्या हुआ, हमें इस क्रिस्टल में इररेगुलरिटी दिखने लगा जिसे हमने डिफेक्ट का नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि जब मेटल एक्सेस में हो जाएगा, इररेगुलरिटी दिखने लगेगा तो वो कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। और ये होने के इस ये फेनोमेनन होने के कारण से जो इंपेरिकल फॉर्मूला डिफेक्टिव क्रिस्टल का है वो आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला से मैच नहीं करेगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी है। तो यहां से आपको दो बात याद रखना है, एफ सेंटर क्या होता है और एफ सेंटर बनने के कारण से किस क्रिस्टल का कलर क्या हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। मैकेनिज्म आप याद रखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो भी स्टूडेंट एग्जाम में ये मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है। तो पहला केस हम लोगों ने क्या देखा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कि अनायनिक वैकेंसी होने के कारण से मेटल एक्सेस हो गया था। अब हम क्या देखेंगे कि कोई एक एक्स्ट्रा केटायन आ जाएगा और उस कंडीशन में फिर आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। तो आइए इसी का सेकेंड केस हम लोग स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं।